अब ये बड़ी खबर आ रही है, अरविंद सावंत ने शाइना एनसी से मांगी है माफी। विवादित बयान पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी। दरअसल कल शाइना एनसी पर उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी थी। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं अरविंद सावंत, यानी उद्धव ठाकरे वाले गुट के नेता हैं। उन्होंने इंपोर्टेड माल ये शब्द इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर शाइना एनसी का कहना था कि ये आपत्तिजनक है, महिलाओं का अपमान किया गया है, इस तरह की भाषा जो है अभद्र भाषा है। इसी पर उन्होंने माफी मांगी अरविंद सावंत ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है मेरी इस बात से तो मैं माफी मांगता हूं। तो विवादित बयान और यह पूरा मामला राजनीतिक रंग लेने लग गया था, जिस तरीके से इस पर कई तरीके के बयान आने लगे, कई टिप्पणियां आने लगी थी, प्रतिक्रियाएं आने लगी थी। अब अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है, उन्होंने शाइना एनसी से माफी मांगी। हालांकि पहले भी उनका एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे पूरे बयान को अगर आप ध्यान से सुने तो उसका यह मतलब नहीं निकलेगा जो बातें कही जा रही हैं। इंपोर्टेड माल उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था उसको लेकर शाइना एनसी ने आपत्ति जाहिर की थी, यहां तक कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवा दी गई। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, अब यह कह रहे हैं अरविंद सावंत, शिवसेना में जो उद्धव गुट है उसके नेता है अरविंद सावंत। पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया, 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में, उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी के मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।